क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, मेरे को दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, ठीक है। तो करेंट डेट और टाइम दोनों की बात कर रहा है, सिर्फ डेट की नहीं बात कर रहा है, डेट और टाइम दोनों की बात कर रहा है। तो एक फॉर्मूला है टूडे, टूडे जो है करेंट डेट तो हमें दिखाता है लेकिन टाइम नहीं दिखाता है। तो एक बार इसको एक्सेल में करते हैं, टूडे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। टूडे वाला फॉर्मूला लगा लिया जाए एक बार एक्सेल में, देखो इज इक्वल टू टी ओ डी ए वाई, टूडे किया और टूडे करके इसको बंद कर दीजिए दोनों ब्रैकेट को और यहां से एंटर कर दीजिए। तो आज का खाली डेट दिखा रहा है, कैसे, आज 4 तारीख है 4 तारीख दिखा रहा है ना। अब देखो ये 4 तारीख तो दिखा रहा है लेकिन टाइम नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि टाइम और डेट दोनों दिखाए, देखो ना वर्तमान तिथि और समय दोनों कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी दिया गया है करेंट डेट एंड टाइम, ठीक है। तो टाइम भी दिखाए, इसके लिए क्या है, इसके लिए नाउ फंक्शन है, क्या है, नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ, ठीक है। इसको यहाँ पे नाउ लगाओ और देखो करेंट डेट एंड टाइम दोनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एक एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 16 बज सकता है ना। अरे रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है दिन और रात को 12 बजे तक चलता है, तो 24 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, तो 16 बज सकता है ना भाई। हम लोग दिन का 12 बजाते हैं फिर रात का 12 बजाते हैं, 2 को 12 बजाते हैं, इसमें डायरेक्ट 1 से लेकर 24 तक हो जाता है। तो ये 4:37 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।